अस्सलाम वालेकुम खातिर नजरात, मैं हूँ इसरार अहमद कस्साना। बड़ी इम्पोर्टेंट आज मुलाकात आपसे करवानी है, और वो एक ऐसी खातून है जो इन्होंने हिस्ट्री जो है वो बनाई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कभी नॉर्मली आपने देखा होगा कि खवातीन पॉलिटिक्स में आती हैं, लेकिन हमारे ख़ास तौर पर ये जो केपी के इलाके हैं उनमें किसी खातून का आना और फिर डायरेक्ट इलेक्शन में आना, और वो उनका ताल्लुक भी अगर किसी मिनोरिटी से हो, तो ये एक अचंभे की बात है। और इसी वजह से शी इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अ मिनॉरिटी टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस डायरेक्टली। तो आज आपकी मुलाकात हम करवाते हैं डॉक्टर सवीरा प्रकाश साहिबा से, जो कि PK25 बुनेर से डायरेक्ट इलेक्शन लड़ रही हैं और पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ रही हैं। हियर कम्स डॉक्टर सवीरा प्रकाश साहिबा। डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं जी आप? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक तो ये है कि हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारी मिनोरिटीज़ में आप जैसी ख्वातीन मौजूद हैं जिन्होंने बहुत, ये मैं समझता हूँ कि बहादुरी का फैसला किया कि डायरेक्टली इलेक्शन लड़ना उन्होंने सोचा, क्योंकि नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि रिज़र्व सीट्स पर ख्वातीन हमारी आती हैं और शायद उनके लिए डायरेक्टली इलेक्ट होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आपने ये डिसीजन कैसे किया और इसकी क्या मोटिवेशन क्या थी इसके पीछे जी? पॉलिटिक्स में आने की मोटिवेशन तो मतलब जो मसले मैंने देखे थे अपने हाउस जॉब के टाइम, मैंने मेडिकल किया हुआ है तो हाउस जॉब के टाइम जो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने मसले देखे थे, मेरी मोटिवेशन वो थी। और वैसे जनरल इलेक्शंस पे आने की मोटिवेशन ये थी कि मुझे पता लग गया था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से कभी कोई खातून इलेक्शंस के लिए आई नहीं है, कभी मतलब रिजर्व सीट्स पे भी नहीं, जनरल पे भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जब मतलब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मतलब ये कह ले कि डर की वजह से, कि फर्स्ट स्टेप लेने से लोग डरते हैं। तो मैं ये चाहती थी कि मतलब ये फर्स्ट स्टेप ले लूँ, कि इससे अगर मतलब जीत और हार अलग बात है, कि इससे मतलब और भी एम्पावर हो जाए ना, मतलब ना सिर्फ हमारे ये वुमेन बट माइनॉरिटीज़ भी, और मतलब कि हमारे ये जो रूरल एरियाज है ज़्यादातर यहाँ से, ताकि थोड़ा से मतलब ये स्टेप ले और अपने रिप्रेजेंटेशन खुद कर सके। ठीक है, तो इसमें जब आपने ये डिसीजन किया तो आपने अपने घर वालों से पूछा या आपने अपने इलाके के लोगों से जो एल्डर्स होंगे उनसे पूछा, किससे मशवरा किया ज़्यादातर आपने और उन्होंने क्या कहा आपको? मैंने तो अपने फादर से ही किया था, मेरे फादर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 1995 से है ना, तो अच्छा। मतलब मैंने डिस्कस किया कि मतलब मैंने ऐसी मतलब अब MBBS में मतलब मुझे पता लग गया कि एज अ डॉक्टर मैं कम लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, एज अ पॉलिटिशियन मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँगी, तो मैंने पॉलिटिक्स में आना है। पापा ने मतलब कहा कि ठीक है रिजर्व सीट्स के लिए, फिर मैं कहा नहीं मतलब जनरल सीट्स के लिए भी करना है, तो वो थोड़ी सी हेजिटेशन थोड़ी सी उसमें फील हुई थी कि एज इन मतलब यहाँ पे ये मसला होता है ना कि औरतें ज़्यादातर घरों में लिमिटेड होती है, बाहर किसी के साथ बात नहीं, कॉन्टेक्ट नहीं, तो इसलिए भी स्टेप नहीं ले सकती। पर लकीली मेरे फादर मतलब जब से मतलब बुनेर में ही हमेशा हम रहे, तो हमेशा से मेरे पापा बुनेर के लोगों की वेलफेयर के काम भी करते थे, तो ये खिदमत के लिए मतलब सबको पता है। तो फिर इस चीज़ से भी मतलब थोड़ी सी वो हुई कि होपफुली कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो पापा ने भी इस चीज़ पे मतलब मुझे मोटिवेट किया। फिर हमारी एक मैम रुबीना हालिद, सेनेटर रुबीना हालिद जो वर्मिंग KPK की प्रेसिडेंट भी है, वो भी आई थी यहाँ पे मीटिंग के लिए, तो उनके साथ भी मैं बैठी थी। उसके बाद मतलब उन्होंने भी एक बड़ा पॉजिटिव कमेंट मेरे पापा को दिया था कि इसमें मतलब वो पॉलिटिकल करियर ये परसू कर सकती है, इसमें वो गट्स है। तो बस इस चीज़ से हम टोटली मोटिवेट हो गए थे बस कि करना है अब। चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने किया। और फिर ये जो पॉलिटिक्स में आना, क्या वजह क्या थी आपके अंदर, एक लव फॉर पॉलिटिक्स थी, आप शुरू से समझती थी कि लोगों में मिलना जुलना, खैर डॉक्टरी में भी होता है सारा कुछ, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिक्स में आपको जाना पड़ता है लोगों में और फिर कई बैरियर्स तोड़ने पड़ते हैं, बींग ए वुमन आपको मालूम है कि हमारे माशरे में किस तरह के मामला चलते रहते हैं, और फिर ये इलाका भी जो आपका है वो भी कंसर्वेटिव समझा जाता है, उसमें मिलिटेंसी भी होती रही है, तो इस तरह के इलाके में इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन जो है जब आपने लिया, तो क्या कंसिडरेशंस थी?
बेसिकली बस मैंने अपनी तरफ से एफर्ट करनी थी एम्पावर करने की, मतलब कि ना सिर्फ माइनॉरिटी और वुमेन को पर यूथ को, क्योंकि मुझे अभी मतलब मेरे 25 इयर्स पूरे हुए, अभी मुझे वो परमिशन मिली है इलेक्शंस के लिए खड़े होने की. तो ये एम्पावरमेंट मैं खुद मतलब, और एक वो बचपन से फेमिनिज्म वाला टच था, तो कि मतलब मुझे यही मतलब हमेशा इनजस्ट लगता था कि हमारे मेल्स खड़े होते हैं, हमें हमारे मेल्स करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं, और फीमेल्स करती नहीं है. और फिर मतलब जो मैंने मतलब हॉस्पिटल में भी नोट किया कि हमारे जो मसले हैं ना फीमेल्स के मसले, वो मेल पॉलिटिशियंस भी खुल के नहीं कर सकते नहीं, और ज़्यादातर हाँ, भी नहीं होता. तो इसके लिए मतलब ये डिसीजन बहुत ज़रूरी था. लेकिन लेकिन सबीरा जी, मुझे ये ज़रा बताएं कि जब आपने ये डिसीजन ले लिया और फिर अब आपने अनाउंस कर दिया कि जी इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट करना है, तो फिर जाहिर है इसमें ये भी प्रायोरिटीज़ में तो बात आई होगी ना कि कौन सी पार्टी कौन सी होनी चाहिए. एक तो ठीक है आपके वाले साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, क्या ये वजह थी सिर्फ, या पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो आपको अट्रैक्ट करता था? पूरी पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री मुझे अट्रैक्ट करती थी कि जितने जुल्फिकार अली भुट्टो ने काम किए हमारी सिक्योरिटी के लिए, जो पीस पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसके बाद जो हमारी वन एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर फीमेल प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो रही है, इंस्पायर थी उन्होंने नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत काम किए. तो मैं भी अपनी तरफ से मतलब लाइक मैं उनको आइडलाइज करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह बनूँ, कि मैं अपने नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनली भी जो उनके जो पीस पॉलिसी है ओवरऑल हमारी पार्टी के, जो उनका मतलब उनकी आइडियोलॉजी है, हम मतलब मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, कि मतलब लोअर क्लास मिडिल क्लास की हेल्प करना, उनको एम्पावर करना, वुमेन की एम्पावरमेंट, काफ़ी लिबरल और इंक्लूसिव पार्टी है. तो इसलिए चॉइस ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पीपल्स पार्टी बनती थी. अच्छा ये बताएं कि ये जो बुनेर का इलाका है, ऑब्वियसली लोगों को शायद मैं बता दूं कि ये मलकन डिवीजन का हिस्सा है और इसमें मिलिटेंसी भी होती रही है और जो तालिबान का भी कंट्रोल जो था उस पर था, और फिर उसके बाद रिक्लेम किया गया. इसके साथ साथ ये जो पूरा इलाका है केपीके का, उसमें जाहिर है कि एक हमारा एक बड़ा ट्राइबल कोड है जिसको पश्तून वली कहते हैं, इसमें रहते हुए ख्वातीन के लिए काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं, पर्दे का भी मसला होता है, दूसरी चीज़ें भी होती हैं, कल्चरल और रिलीजियस जो चीज़ें हैं वो भी चल रही होती हैं, और फिर आप एक मिनोरिटी से भी बिलोंग करती हैं, हिंदू कम्युनिटी से भी आप बिलोंग करती हैं, तो ये क्या आप समझती हैं कि ये चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे, या आप समझती हैं कि नहीं ये चैलेंजेस नहीं है, हमारे इलाके में आपको ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट मिलेगी? नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल मतलब हमें ट्रीट किया जाता है, हमारी मतलब बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, हम लाइक जब पाकिस्तान बना ही नहीं था, इंसेप्शन से बगैर यहीं पे ही मतलब हम हमारे एंसेस्टर्स रहते थे, तो वो जो कम्युनिटी हम मतलब कि हम कम्युनिटी का पार्ट ही है, हमें कम्युनिटी का पार्ट ही समझा जाता है. मुझे बुनेर की बेटी का टाइटल भी दे दिया है लोगों ने, हर बंदे से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है. मतलब वो जो होता है ना कि एक कैंडिडेट एक पार्टी से खड़ा होता है तो ऑब्वियसली पार्टी वाले तो सपोर्ट नहीं करते, मुझे हर पार्टी से आ रहे कि हम इस पार्टी से हैं पर इंशाल्लाह सपोर्ट और वोट आपको देंगे. तो मेरे ख्याल से तो उल्टा ये चैलेंज नहीं है, ये मेरे मुझे एक एज दे रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है. चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है. अच्छा आप ये जरा मुझे बताएं कि पॉलिटिक्स में अब आप आ गई, आपने इंशाल्लाह इलेक्शन जब होगा उसमें अल्लाह करे कि आप जीत भी जाएं, तो ये मुझे बताएं कि क्या आपका प्लान क्या है, आपकी आपका विजन क्या है, व्हाई इन पॉलिटिक्स? आप जिस तरह शुरू में कह रही थी कि जी मैं चाहती थी कि इससे ज्यादा लोगों को मैं हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन क्या आप करना क्या चाहती हैं? जिस तरह आपने कहा कि आपकी आइडियल जो है वो बेनज़ीर साहिबा हैं, हमारा ज़ाती तल्लुक भी बेनज़ीर साहब के साथ बड़ा रहा है, उनके साथ हमने काम किया, देखा उनको, लेकिन आप किस तरह उनको आइडियलाइज करती हैं, क्या माइलस्टोन्स हैं जो आप अचीव करना चाहती हैं? वो तो फिर लाइक कहले के बहुत बड़ी बातें बन जाती है, इतनी इन्फ्लुएंस मुझे मिलता है या नहीं ये भी बहुत डिपेंड करता है इस चीज़ मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, थिंक बिग. तो थिंक बिग मैं तो इंटरनेशनल सोच रही हूँ, इसलिए तो थोड़ा सा मतलब मुझे हेजिटेशन भी फील होती कि कैसे कर सकूँगी. खैर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम्स है, रूरल एरिया है ना, तो यहाँ पे तो रोड्स का भी मसला है, यहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है, यहाँ पे तो गैस भी नहीं है, सर्दियों में इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड
है। तो ये चले हम कह सकते हैं कि छोटी बातें हैं, जो मेरा मेन मैं वैसे फोकस में। बाय द वे इस वक्त मैं -44 में हूँ, लेकिन हमारा जाहिर है कि आपकी तरह का वो नहीं है कि जी वहाँ पे हीट वगैरह का भी मसला होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन सही कह रही हैं, आपके वहाँ पे रोड्स के भी मसाइल हैं, सर्दी के भी मसाइल हैं, मौसम के भी, और फिर इस तमाम सूरत हाल के बावजूद एक खातून का इन तमाम हर्डल्स को क्रॉस करके फिर डॉक्टर भी बन जाना, फिर इस तरह पॉलिटिक्स में भी आ जाना, तो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। पर मतलब मैं एक क्रेडिट भी देती हूँ, जो मेरा अपना एजेंडा है ना वो एजुकेशन पे है, कि ठीक है, एजुकेशन जो मतलब एजुकेशन ने ही मुझे वॉइस दिया है, मुझे मतलब अवेयरनेस में पैदा किए कि मेरी राइट्स क्या है और मैं क्या क्या कर सकती हूँ उन राइट्स के लिए। तो इसलिए मेरा फोकस जो है ना एजुकेशन पे इंशाल्लाह होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले साल भी हमारे पाकिस्तान का बजट जो था ना 1.5 या 1.7% का एजुकेशन बजट है। पे। हाँ, तो एजुकेशन में हम बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रहे हैं। हमारा क्रेमिंग सिस्टम है, हमारी बुक्स 1998 में अपडेट हुई थी, अभी हम क्लाउड पे आ गए और हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं, जो फ्लॉपी डिस्क अभी मतलब किसी से भी टीनेजर वगैरह से पता भी नहीं होगा, और हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है। तो एजुकेशन स्पेशली जो गर्ल्स एजुकेशन है ना, तो वो हमारे इलाके में 30% से भी कम है। तो इस चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से एजुकेशन जो है ना वो हर चीज़ की अवेयरनेस पैदा कर सकती है। अभी दुनिया डीकार्बनाइजेशन की तरफ जा रही है, हमें यहाँ पे एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन का पता ही नहीं है। तो एजुकेशन ये एनवायरनमेंट के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, पूरी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के हवाले से हमें मतलब अवेयरनेस देती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो एजुकेशन, और एजुकेशन पे मेरा लाइक प्राइम फोकस होगा। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको फील कैसा होता है जैसे मतलब एक चेंज ऑफ प्रोफेशन आपका हुआ, डॉक्टरी आप कर रही थी, उधर से आप अचानक अब आप पॉलिटिशियन बन जाएंगी, एक लाइमलाइट भी होगी उसमें भी, अगर अल्लाह करे आपको चांस मिलता है वो भी एक अच्छी बात होती है, लेकिन उसके साथ उसके चैलेंजेस भी होते हैं। तो ये कैसा आपको लग रहा है कि एक प्रोफेशन छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में आना, क्या आप अपनी डॉक्टरी को जारी रखेंगी या सिर्फ पॉलिटिशियन पे ही रोल ही जो है वो अपनाएंगी? बात यह है कि मैं मेरा कॉज सेम ही रहता है। मेरा पहले भी डॉक्टर बनने का भी यही कॉज था, कि मतलब मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, अपने फादर से इंस्पायर होके ना। तो उसके बाद अभी भी मतलब मेरा वही कॉज है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। मेरे माइंड में था कि एज अ डॉक्टर मतलब कम लोगों की हेल्प कर सकूँ, क्योंकि चले एक डॉक्टर कम हो जाएगा, एक पॉलिटिशियन ज़्यादा हो जाएगा, पर पॉलिटिशियन के हाथ में उनका थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कुछ चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े मसले सॉल्व कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स के पास 20th ग्रेड पे भी अनफॉर्चुनेटली कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई वेट नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स के साथ ही डील कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब मेरा कॉज तो सेम है, बस प्रोफेशन चेंज वो मतलब एक वे है मेरे लिए। तो आपका तो क्लिनिक भी है ना, प्रकाश मेडिकल सेंटर जो है, तो जी, क्लिनिक भी है और वो चलता रहेगा? मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, वो वही इंशाल्लाह चलाएंगे। तो आप उनको असिस्ट कर रही थी, तो अब आप उनको कौन असिस्ट करेगा फिर? असिस्ट मैं कर ही नहीं थी सकती, मैं इससे पहले मतलब स्टूडेंट थी, स्टूडेंट्स क्या असिस्ट करेगा। उसके बाद में हाउस जॉब, मैं घर से बाहर थी, जैसे हाउस जॉब खत्म हुई मैं पॉलिटिक्स में आ गई, साथ में मतलब मैंने CSS की एकेडमी भी ज्वाइन कर ली, तो मैंने तो अच्छा, काइंड ऑफ असिस्ट किया ही नहीं है। तो आपने फिर CSS करने का इरादा छोड़ दिया? नहीं, CSS जो है ना मेरा प्लान भी है, मतलब CSS मैंने एकेडमी भी ज्वाइन इसलिए की थी कि चले जब मैं मुझे हाउस जॉब के दौरान आइडिया हो गया कि मैंने पॉलिटिक्स में जाना है, तो वो करंट हाँ, अफेयर्स वगैरह के साथ मैं मतलब अपडेटेड रही हूँ, पर मुझे था कि थोड़ा मतलब ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, तो मैंने CSS एकेडमी ज्वाइन की कि मुझे करंट सिचुएशन पाकिस्तान के, फिर इंटरनेशनली जो हमारे क्या हो रहा है कि उसका भी आइडिया हो जाए, और साथ में मतलब ये CSS मतलब मुझे वही इन्फ्लुएंस चाहिए था। तो प्लान ए मेरा पॉलिटिक्स था, प्लान बी मेरा CSS है, कि एज अ ब्यूरोक्रेट भी मैं कुछ कर सकूंगी लोगों की। तो होपफुली देखते हैं अब क्या होता है आगे। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, ये बताएं कि ये कैसा लगता है कि एक आप फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट बन रही हैं एक मिनोरिटी की तरफ से, मिनोरिटी कम्युनिटी की तरफ से, जो कि इलेक्शन लड़ रही हैं, डायरेक्टली कॉन्टेस्ट कर रही हैं, तो इसकी फीलिंग कैसी आती है आपको, क्या फील होता है आपको?
बात ये, मुझे पता ही नहीं था कि मैं फर्स्ट फीमेल माइनॉरिटी बनने वाली हूँ कि जनरल इलेक्शन के लिए जो खड़े हो. मुझे सिर्फ ये था कि हमारे इलाके से कोई फीमेल नहीं खड़ी हुई, तो मतलब वो मुझे पता था. उस चीज़ को मैं एम्पावर करना चाहती थी, उस चीज़ को मतलब मैं वो थोड़ा बैलेंस आउट करना चाहती थी. पर एज अ माइनॉरिटी मुझे कभी वो पता नहीं था, और मैं माइनॉरिटी फील भी नहीं करती. मतलब हर जगह मेरे पापा का रिलीजन तो हाईलाइट हो रहा है, पर मेरी मामा का नहीं हो रहा. मेरी मामा क्रिश्चियन है. अच्छा, हमारे वो घर क्रिश्चियन जी, है। तो अच्छा, हमारे बड़ा मतलब कल्चरल भी डाइवर्सिटी है और रिलीजियस भी डाइवर्सिटी रिलीजियस है. तो डाइवर्सिटी भी है। है भी कजाकिस्तान से, तो मतलब अच्छा, तो काफी मतलब कल्चर डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी थी. तो हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा ये चीज मतलब इस चीज पे ज्यादा फोकस कराया कि मतलब तुम लोगों ने हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है, और हाँ, मतलब कि ह्यूमन ह्यूमैनिटी। अपना रिलीजन बनाना है, क्योंकि हर रिलीजन में अच्छी चीजें पढ़ाई जाती है. ऑलमोस्ट हाँ, हर रिलीजन में ऑलमोस्ट सारी सेम चीजें हैं. तो एज मैं खुद भी फील करती हूँ कि मैं हर रिलीजन को फॉलो करती हूँ, क्योंकि इस्लाम में भी ये है कि हुकूकुल्लाह से पहले हुकूकुल आबाद है. तो मतलब लोग हुकूक ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हमारा जो क्लिनिक का बोर्ड है ना, उस पर भी मदर थेरेसा की पिक्चर है और एडी साहब की पिक्चर है. एडी साहब की एडी साहब, पिक्चर है। हाँ ठीक है। एडी साहब भी कहते थे रिलीजन ह्यूमैनिटी है. तो ऐसा से मतलब हम में भी मतलब पेरेंट्स ने अपने बच्चों में, हम सिबलिंग्स में भी मतलब ये चीज़ इनकॉर्पोरेट की है कि ह्यूमैनिटी की रिलीजन को फॉलो करना है, लोगों के लिए काम करना है. तो इस तो जब जब ये आपने डिसीजन लिया सवेरा, तो उसमें मुझे बताएं कि वालिद साहब ने ज्यादा इसको सपोर्ट किया या वालदा ने? मेरे मामा पॉलिटिक्स से तो ऐसे लिंक नहीं थी. वो तो बेचारी घर के काम और ये क्लिनिक में बिजी होती थी. मेरे पापा के पास होता था टाइम पॉलिटिक्स के लिए, तो पापा को ज़्यादा पॉलिटिक्स का आइडिया था. मामा इस चीज़ पे कमेंट नहीं थी कर रही, क्योंकि मामा को आइडिया नहीं था. तो ज़्यादा आई थिंक कि पापा ने, पर जैसे मतलब ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ तो मेरी मामा भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गई, काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रही. मुझे हर इंटरव्यू, हर चीज़ की लिंक भी भेज रही होती है अपनी तरफ से. मतलब मुझे वो ओरेटर तो मैं ऑब्वियसली हूँ नहीं, तो वो स्पीचेस भी भेजती कि इस तरह से बोलना है, इस तरह से. मतलब काफ़ी मुझे हेल्प मिल रही है. तो उनको उनको उर्दू वगैरह आती है? आप कह रही हैं कजाकिस्तान से हैं, तो उनको उर्दू सीख लिया उन्होंने? उनको तो ऑलमोस्ट कह ले कि 30 ईयर्स तो हो गए पाकिस्तान में, तो अच्छा, पश्तो उनको तो आती है. आती हम घर है। में हिंद को बोलते हैं पश्तो, हिंद को रशियन का मिक्सचर हम बोलते हैं ना. अच्छा, तो रशियन भी बोलते हैं? जी, तो अच्छा, गुड। जो हिंद को है ना, वो उर्दू से काफ़ी मैच करती है. तो मामा को समझ आ जाती है, पर जब बोलती है तो और लोगों को समझ नहीं आती. बस ये मसला है. अच्छा, उनको भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, हो जाएंगी ठीक इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे जी बताएं कि आखिर में थोड़ा सा, अगर आप जीत जाती हैं और अल्लाह करे कि आप जीत जाएं, तो फिर असेंबली में जाके आपकी मुलाकातें जाहिर है कि इस तरह के लोगों से भी होंगी जो मिनिस्टर्स होंगे, या जो हो, ये भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट वहाँ पे पीपल्स पार्टी की बनती है तो आप खुद भी मिनिस्टर बन सकती हैं। तो कुछ इस तरह का आपने सोचा हुआ है कि अगर आप मिनिस्टर बन गई तो फिर क्या होगा? होपफुली मैं मतलब प्रमोट करूंगी पीस और यूनिटी को जो मुझे दिखाई गई, क्योंकि मतलब इस चीज़ ने मतलब हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं है कि एक फीमेल माइनॉरिटी इलेक्शंस के लिए खड़ी हुई है. मेरे लिए मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने इतनी यूनिटी शो की है, कि ये यूनिटी मतलब मुझे नहीं लगता कभी शो हुई है. तो इस यूनिटी को एग्जाम्पल बना के पीस और यूनिटी को प्रमोट करना, कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से अगर हम काम करेंगे तो हम कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं. तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई आपकी? जी, उन्होंने क्या कहा आपको? हमने ज़्यादातर ये पॉलिटिक्स की बात की और मैनिफेस्टो की बात की. जो उनके 10 पॉइंट्स मैनिफेस्टो है ना, तो वो भी मतलब अपने उससे मतलब जो मेरी नॉलेज है अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में उसके अप्लाई करके मतलब वो डिस्कशन हुई कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एरिया के लिए, स्पेशली इस एरिया के लिए. जो बिसप प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हाँ, काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे डिपेंड करती है, मतलब टोटली डिपेंड करती हैं उस फंड पे. तो उस चीज़ पे फिर जो एजुकेशन वाला, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, तो ये चीज़ें तो मतलब मेरे अपने एजेंडा में है. आपके तो एजेंडा इन में है। जी, तो इन चीज़ों पे बात हुई और मतलब काफ़ी मतलब मुझे लग रहा है कि होपफुली बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए. आपके सिबलिंग्स कितने हैं?
दो सिब्लिंग्स है, दोनों छोटे हैं मेरे से, दोनों भाई हैं। तो दोनों भाई जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं फुली? हाँ जी, अभी वो लाहौर में मेरे मामा के साथ, एक भाई मेरा ट्रेनिंग कर रहा है बैरिस्टर बार्टला, अभी लंदन से यूके से करके आया है, तो वो वहाँ पे अभी अच्छा, अली साहब से के साथ ट्रेनिंग में है, और दूसरा भाई अभी ओ लेवल्स में है, बहुत छोटा है। तो आपकी फैमिली जो है वो लाहौर में रहती है? नहीं, अभी 3 4 महीने पहले शिफ्ट हुए, ये ट्रेनिंग की वजह से, और ये भाई का ओ लेवल्स का, मतलब यहाँ पे ओ लेवल्स के स्कूल्स भी नहीं है और CSS एकेडमीज भी नहीं है, तो मैं साथ में उधर भी थी एकेडमी के लिए। ठीक है, चलें जी। सुवीरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह करे कि जो आपको आपका जो ख्वाब है वो पूरा हो सके और आपको मौका मिले कि अपने इलाके की ख्वातीन की, लोगों की, जितनी भी आप खिदमत कर सकती हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह आपने कहा कि एजुकेशन जो है वो आपका एक मेन एरिया और मेन फोकस होगा, अल्लाह करे कि, और ये हमारा सबसे बड़ा मसला भी है, अल्लाह करे कि ये भी हो सके ठीक। तो हम आपके जो कैंपेन होगी उसमें आपको ऑब्जर्व करते रहेंगे इंशाल्लाह, और आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी जी। थैंक यू। जब जीत जाएंगी तो फिर आपके साथ एक और शो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़। दो।